दोस्तों, अगर आप लोग YouTube चलाते हैं और आप लोग जब YouTube पे वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक एरर आता है, देयर वाज ए प्रॉब्लम विद दी सर्वर 400। फिर इसके बाद नीचे आता रिट्राई। आप लोग बार बार रिट्राई करते हैं लेकिन आप लोगों को बार बार यही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप लोग YouTube में कैसे फिक्स कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को YouTube में आने वाली देयर वाज ए प्रॉब्लम विद दी सर्वर 400 ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना होगा। तो चलिए मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे टेक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को सबसे पहले अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के लिए आप लोगों को करना क्या है। आपको सबसे पहले जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे अगर आप लोग का प्ले स्टोर ओपन हो रहा है और सारे जो ऐप हैं वो भी यहाँ पे आप लोगों के आ रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब है आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है तो आप लोगों का जो यहाँ पे प्ले स्टोर है उसमें ऐप्स जो है लोड नहीं होंगे। फिर आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग में चले जाना होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप लोगों को सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है डेटा कार्ड में जाना है और यहाँ पे अगर आप लोग का जो डेटा है वो सिम वन में है और आप लोगों ने डेटा कार्ड में सिम टू सेलेक्ट करके रखा है तो यहाँ पर आप लोग का इंटरनेट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का अपना सही सिम कार्ड सिलेक्शन करना है, जिस सिम कार्ड पर आपका नेट चल रहा है और जिसमें रिचार्ज है उस पर आप लोग डेटा कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा जो है टू सिम कार्ड है तो मैंने टू को सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर चले जाइए और यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है यूट्यूब। तो ये आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब, यहाँ पे मैंने जो है टाइप किया। अब ये आप लोग का जो यूट्यूब आ रहा है यहाँ पे अपडेट के लिए आ रहा है, इसको आप लोग यूट्यूब को फटाफट से अपडेट कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे प्ले स्टोर पर चले जाइए और यूट्यूब को फाइंड करके अपडेट कर लीजिए अगर आप लोग का यूट्यूब अपडेट नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग का यूट्यूब अपडेट नहीं होता है तब भी आप लोगों को यही प्रॉब्लम आएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे 33 MB का हमारा अपडेट है तो फटाफट से हमारा जो YouTube है वो अपडेट हो जाएगा। तो गाइस, मेरा YouTube अपडेट हो चुका है। अब आप लोगों को बैक जाना है और बैक में जाने के बाद आप लोगों को अपनी फ़ोन की जो सेटिंग है उसमें चले जाना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ मिलेगा आप लोगों को ऐप्स, ऐप्स में चले जाइए और यहाँ मिलेगा आप लोगों को मैनेज ऐप्स तो और सिस्टम ऐप्स। तो सिस्टम ऐप सेटिंग पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिस्टम के जो ऐप्स हैं वो आ जाएंगे। लेकिन मैं मैनेज ऐप्स में जाऊँगा। अब मैनेज ऐप्स में जैसे ही आप लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग के फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल होंगे वो सारे ऐप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को नहीं मिल रहा तब आपको करना क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को ऊपर सर्च वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग यूट्यूब को सर्च कर लीजिए। ये रहा यूट्यूब, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और सबसे पहले आप लोगों को क्लियर डाटा पे क्लिक करके इसका क्लियर ऑल डाटा कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग को सेटिंग नहीं मिल पा रही है इस तरीके से तो यहाँ पे आप लोग को जो YouTube बाहर आ रहा है यहाँ पे आप लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे। इसके बाद ऐप इन्फो में जाइए और यहाँ पे आप लोग जो है इसको स्टोरेज में चले जाइए और क्लियर डाटा पे क्लिक करके इसका जो ऑल डाटा है क्लियर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अंदर से सेटिंग में नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे आप लोगों को YouTube को ओपन करना है और YouTube को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का जो YouTube है थोड़ा सा यहाँ पे लोड होगा क्योंकि आपने इसका जो डेटा है वो क्लियर किया है। दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन जांच लेना यहाँ पे सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है YouTube यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अभी जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी एरर 400 वो यहाँ पर अब नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आई हो आप लोग यहाँ पर जान चुके होंगे कि आप लोग अपने यूट्यूब की जो 400 एरर का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई रोज से कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।